नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गेस्ट फैकल्टी से संबंधित एक खास जानकारी यहां पर देने वाला हूं, जिसमें आप अनुभव प्रमाण पत्र कैसे अपना डाउनलोड कर पाएंगे या जिनके पास गेस्ट आईडी नहीं है तो वो अपनी गेस्ट आईडी कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि बिना गेस्ट आईडी के तो आप दावा भी नहीं कर सकते अनुभव प्रमाण पत्र का, तो डाउनलोड तो आपका बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले अपनी गेस्ट आईडी पता करेंगे कि उसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको अतिथि शिक्षक का जो पोर्टल है GFMS, उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर फ्रंट पेज में आ चुके हैं। अब जो आपका गेस्ट आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है, आपको लॉगिन कर लेना है। राइट हैंड साइड में आपको कॉर्नर पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करके इसे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम जो आपका है मोबाइल नंबर ही रहता है, और पासवर्ड जो भी आपका आपने बनाया हो या आपके मोबाइल में ये पासवर्ड आता है, तो इस पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माध्यमिक शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक का जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, तो उनकी जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो उसमें ये चीज़ लग रही है। जहाँ पर आपको काउंसलिंग की गतिविधियाँ चालू हो चुकी हैं, अगर आपने प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का एग्ज़ाम दिया था और आप उसमें क्वालिफाइड हुए हैं, तो उसमें ये अनुभव प्रमाण पत्र लग रहा है। तो बहुत से लोगों ने तो अभी तक दावा ही नहीं किया है, उनको प्रोसेस नहीं पता है। तो कंप्लीट प्रोसेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लें, कोई गलती ना करें, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, बस आप इसे अच्छे से देख लें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि साला का डाइस कोड यहाँ पर लिखा हुआ। अगर ये आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके साला का अपने डाइस कोड पता कर सकते हैं, जहाँ पर आपने गेस्ट फैकल्टी का, अतिथि शिक्षक का कार्य किया हुआ है, किस किस सन में आपने किस किस स्कूल में काम किया हुआ है। तो उस स्कूल का आपको यहाँ से डाइस कोड पहले पता कर लेना है। इसके बाद हम गेस्ट आईडी पता करने के लिए चार नंबर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको गेस्ट आईडी पता करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और देखते हैं इसके आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सिंपली ये जो डाइस कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना डाइस कोड स्कूल का फिलअप कर देना है, जिस भी स्कूल में आपने अतिथि शिक्षक का कार्य किया हुआ है। हर स्कूल का डाइस कोड होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। इसी के साथ आपको एकेडमिक ईयर, किस साल आपने उस स्कूल में अतिथि शिक्षक का कार्य किया हुआ था, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके आपको इस लिस्ट में से उस ईयर को सिलेक्ट कर देना है, जिस भी ईयर में आपने काम हुआ था। फिर इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करके व्यू डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मंथ भी ज़रूर सिलेक्ट करना है। तो ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद कैप्चा कोड डाल के व्यू डिटेल पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, पहले ये बता दूं कि मंथ आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी ईयर में आपने काम किया है तो उसमें एक दो मंथ आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं, किसी न किसी मंथ में आपका ये डेटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जनवरी मंथ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और ये जो है दो लोगों की यहाँ पर नाम आ रहा है जिनने इस स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NAM1 और NAM2, इन दोनों में से जो भी नाम आपका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो गेस्ट आईडी यहाँ पर लिखी हुई है दोनों की, तो इन दोनों में से आपकी जो भी गेस्ट आईडी है, आपको अपने नाम के साथ और डेट ऑफ बर्थ को मैच करके उस आईडी को यहाँ पर नोट कर लेना है, और यहाँ आपने जनवरी मंथ में कितने महीने कार्य किया हुआ है वो नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये था कि आपको गेस्ट आईडी चाहिए थी, जो आपको यहाँ से मिल चुकी है। गेस्ट आईडी आपकी बदलती नहीं है, भले आप स्कूल बदलते रहें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट था ये गेस्ट आईडी पता करना। तो यहाँ से हमने गेस्ट आईडी पता कर लिया है। अब हम दावा करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, और जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो उसे हम डाउनलोड करके और देखेंगे। तो चलिए चलते हैं दावा करने, कैसे इसका दावा कर सकते हैं आप उसकी प्रोसेस और समझ लेते हैं। अब यहाँ आप ऊपर ही देख पा रहे हैं दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र दावा में आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर गेस्ट आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपनी, और गेस्ट आईडी जो हमने कॉपी की हुई थी, जो नोट की थी, उसे
यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है जिस एकेडमिक ईयर में आपने काम किया है स्कूल में, और वो एकेडमिक ईयर करके आपको सिंपली इस बार आपको अब सबमिट पर व्यू डिटेल पर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और यहाँ पर फिर से आपको सैम आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं गेस्ट फैकल्टी पेमेंट डिटेल के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, आपकी गेस्ट आईडी आ जाएगी और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा जिस सेशन में आपने काम किया। अब आपको अगर ये सारी चीज़ सही दिख रही है यहाँ पर, तो आपको सिंपली कैप्चा कोड को फिलअप करना है और रजिस्टर क्लेम फॉर्म आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अभी आपका यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है, इसका मतलब ये है कि उस स्कूल में आप काम करते थे तो वहाँ का दावा क्लेम आपने कर दिया है। अब और किसी स्कूल में या अगले सेशन में भी आपने काम किया है तो वन बाय वन करके आपको ये सारी चीज़ें फिर से दोहराना है सेम प्रोसेस को। तो चलिए जितने भी बार आपने जितने जितने सेशन में आपने काम किया है तो उन सभी सेशन को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस को आपको बार बार दोहराना है जितने भी सेशन में आपने काम किया। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का दावा पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इस बार अब आपने जितने भी दावे किए हैं उन सब का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो ये नीचे वाला ऑप्शन जो है अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे का प्रिंट प्राप्त करें, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और व्यू रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इतने क्लेम किए हुए हैं 5 सेशन के लिए, तो एक एक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जितने भी आपने दावा किया हुआ है एक्सपीरियंस का ये सब यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे संकुल प्राचार्य के पास ले जाना है और वहाँ से इसे वेरीफाई कराना है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस कंप्लीट दावा करने की। अब जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसके बाद आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसे और जल्दी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ये 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपके सामने यहाँ पर ओपन होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये होगा दोस्तों आपका जब आपका जो दावा आपने किया है उसे संकुल प्राचार्य को ले जा कर के देंगे और उसे वेरीफाई करा लेंगे, जब वहाँ से वो सत्यापित हो जाएगा तब आपका ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको कैसी लगी, कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट्स करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।